नमस्कार मित्रों, अभियान यूपीपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज 16वें दिन का टेस्ट है सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान से। इससे पहले इतिहास, भूगोल पूरा 15 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें स्कीम्स और योजनाओं का भी एक टेस्ट हुआ है और एक फुल टेस्ट हुआ है जो कि ज्योग्राफी से पूरा है और करंट अफेयर्स के 3 माह के दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरे हो चुके हैं। कल जो है आज मार्च का भी पूरा हो गया है। तो आइए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के, जो काफी चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप समूह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हाल ही में भारत इसका 43वां सदस्य बना। इस समूह में शामिल होने वाला भारत दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। तो देख लीजिएगा कौन सा सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 के बारे में निम्नलिखितों का विचार करें। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2018 में 180 देशों में भारत का स्थान 177वां है, जबकि 2016 में 144वां था। इस वर्ष प्रथम स्थान पर डेनमार्क। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरुआत की गई थी? चूंकि यह इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि पल्स पोलियो फिर से शुरू किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल का है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मणिपुर का। सत्य कथनों का चयन करना देख लीजिएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, स्टीफन हॉकिंग, प्रणब मुखर्जी या डेनियल पॉल? अगला प्रश्न देखेंगे। सिफ टेस्ट है, SIFTEST, ये क्या है? मछलियों के मरने से बचाने वाला रसायन, समुद्री कीटनाशक को साफ करने वाला रसायन, मछलियों से रासायनिक मिलावट का पता लगाने वाला रसायन, या समुद्री मच्छरों को मारने वाला रसायन? आठवां प्रश्न देखेंगे। अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची, जो 2018 में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जैक मा या जेफ बेजोस? आठवां प्रश्न है, मार्च 2018 में राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2018, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कॉन्फ्रेंस 2018 कहां पर आयोजित की गई? लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल? Aero-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है किस देश से संबंधित है? चीन, भारत, इजराइल, रूस? अगला प्रश्न देखेंगे। 90वां ऑस्कर पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अ फैंटास्टिक वुमन, डार्केस्ट आवर, द शेप ऑफ वाटर या स्पॉटलाइट्स? 10वां प्रश्न है, अस्मिता योजना किस राज्य से संबंधित है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP? परिवर्तन योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड या पंजाब? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत सुविधा जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है, उसका मूल्य कितना है? 2.5 रुपए, 3.5 रुपए, 5 रुपए या 6 रुपए? आइए बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, प्याज के गुलाबी रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, कैस्पेसिन या एंथोसाइनिन? 14वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस में लगभग सभी अनिवार्य एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं? सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली? केवल एक दो, देख लीजिएगा कौन सा सही। निम्न में से कौन सुमेलित? ओहो, ये प्रश्न काट दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं लिख पाया हूं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका कल आंसर में मैं ऑप्शन लिख दूंगा, गलती से छूट गया। सीटी स्कैन में प्रयुक्त होने वाली तरंगे, रेडियो वेव्स, एक्सरे, इंफ्रारेड या गामा रेज? अगला प्रश्न देखेंगे, बायोडीजल बनाने में प्रयुक्त पौधे हैं जटरोफा, करंजा, नागचंपा, नीम? देख लीजिएगा कौन कौन सही है। दांत के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये इंस्टीट्यूट हैं और इनकी लोकेशंस हैं, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है हैदराबाद, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला? अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक हार्ट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं, आलू, बाजरा, धान? टैटू बनवाने से
निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना है? एड्स, एचआईवी, सॉरी हेपेटाइटिस बी, केलोर्स, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डिप्थीरिया, ये बीमारियां हैं और उनसे होने वाले बैक्टीरिया हैं जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कुकुर खांसी, हिमोफिलस, पर्ट्यूसिस, टिटनस, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, हैजा, सेल्मोनेल बैसिली। इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60, रक्त व्यतिक्रम, फास्फोरस 32, रक्त कैंसर, आयोडीन 31, थायराइड ग्रंथ सक्रियता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि का कारण होता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या ऑक्सिन। 25वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ओमेगा 3 एसिड का प्रचुर स्रोत है? सोयाबीन, दूध, अंडा, अलसी या तीसी। निम्न में से कौन से विटामिन जल में अघुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी। 1, 2 देख लीजिएगा कौन सा सही है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, गाजर, पपीता, दूध, आम। निम्न में से कौन पाचक एंजाइम है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन हृदय घात के लक्षण है? इनमें से कौन कौन है? बाह में दर्द एवं झंझनाहट, पसीना एवं जी मचलाना, सीने में दर्द। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मनुष्य के पेशाब का पीएच होता है, यूरिन होती है, उसका पीएच कितना होता है? 6, 7, 8 या 4। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही घटता हुआ क्रम है, ये देख लीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम का कौन सा सही है, घटता हुआ क्रम है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसका जैव उर्वरक नहीं है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोला, ह्यूमिकोला। 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ताना नहीं, गन्ना, आलू, अदरक, शलजम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन, सेब में लाल रंग का कारण जो एंथोसाइनिन, हल्दी में पीले रंग का कारण है विटरनिन, पपीता में वर्णक का कारण है कैरिंकाजेंथिन। 35वां और लास्ट प्रश्न देखेंगे, कथन कारण पे है ये, यदि कोई मनुष्य दीर्घकालीन उपवास करे तो उसे मैरिस्मस हो जाएगा, मैरिस्मस एक बीमारी है। विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। तो इसमें देखिएगा मित्रों, प्रश्न कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ फोन भी करते हैं सदस्य, ये कहते हैं कि प्रश्न के साथ ही उत्तर डाल दिया करें, क्योंकि आप लोग प्रश्न के साथ उत्तर कल हम डाल ही देते हैं अगले दिन, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय का वीडियो तो बनाते नहीं है, 10-10 मिनट आप दे सकते हैं, आधे घंटे का पेपर है, आप एक बार अपने से लिख लीजिए, पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल ही देते हैं। और सरप्राइज टेस्ट की, आंसर की आज रात में या कल सुबह हम डाल देंगे, क्योंकि कई काम कर रहे, इधर कई काम हो रहा है, बिहार पीसीएस का भी पेपर सॉल्व हो रहा है, तो उसका सॉल्व और इसका पेपर और साइंस के भी नोट्स हैं, उसको अभी धीरे धीरे ग्रुप में डाला जाएगा, तो थोड़ा सा विलंब हो रहा है पेपर डालने में, इसके लिए क्षमा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।